कश्मीर के अंदर भी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका अदा करेगी, जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू में 16 अप्रैल की रैली में कहा था कि हमें जिन लोगों ने 70 साल कश्मीर को बर्बाद किया उन लोगों से बचना है, जिन लोगों ने कश्मीर को बर्बादी के मंजर दिखाए, जिन सियासी जमातों ने कश्मीर के अंदर तबाहकुन मंजर लाए, जिन सियासी जमातों ने कश्मीर के अंदर लोगों को परेशान किया, ऐसी जो जमाते हैं जो जब हुकूमत में थी उन्होंने लोगों का भला नहीं किया, ऐसी सियासी जमातें जो कश्मीर की आवाम की दुश्मन हैं उनसे हमें बचना है और मिलकर जो आवाम की बेहतरी के लिए अमन और खुशहाली के लिए काम करने वाले जो सियासतदान चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे लोग जीत कर आए जो कि कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए कश्मीर के अमन भाईचारे और खुशहाली में अपना योगदान करें, कंट्रीब्यूशन करें। और ऐसे तमाम सियासी नेता जो हमेशा कश्मीर में आग लगाने की सियासत करते हैं, ऐसे सियासतदान, ऐसी सियासी जमातें जो कश्मीर में इश्तियाल अंगेजी करके खूनी खेल खेलती हैं, ऐसे सियासी जमातों से हमें बचना है। अमन, खुशहाली और डेवलपमेंट की बात करने वालों को हमें जिताना। भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसके सर पर या जिसकी सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी उसी उम्मीदवार की जीत होगी, ये बात पक्की है। चूंकि मैं खुद उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट पर कैंपेन में लगा था और वहां इलेक्शन अब पूरा हो चुका है और जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर कैंपेन चल रही है, जबरदस्त कैंपेन हम सब यहां कर रहे हैं। मैं अपने जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो पार्टी के वरिष्ठ हमारे केंद्रीय नेतृत्व में सहयोगी साथी हैं उनसे चर्चा करके आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यह निर्णय करेगी कि अनंतनाग रजौरी में भारतीय जनता पार्टी का क्या लायामल रहेगा, श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी और बारामूला जो नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट सीट में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी यह तय की जाएगी। जिस को भी भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलेगा वो सियासी जमात जीतेगी, वो उम्मीदवार यकीनन जीतेगा, इसका फैसला अभी करना बाकी है। मैं तो चाहता था अगर आप जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे हम तो चाहते थे कि हम स्वयं अपने दम पर अनंतनाग रजौरी पुंछ लड़ें, श्रीनगर और बारामूला लड़ें, लेकिन एक चुनाव लड़ने के लिए होता है, एक चुनाव जीतना है और जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने कहा है इन चुनावों में जो कश्मीर के दुश्मन हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, जो खुशहाली के दुश्मन हैं, हम सब ने मिलकर उनको हराना है।